नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बताएंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। दोस्तों, अपनी हस्त रेखा से जानिए आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। दोस्तों, शादी और प्यार इंसान के जीवन के दो सबसे खूबसूरत प्रसंग होते हैं, और अगर प्रेम विवाह हो तो वह शादी और प्यार दोनों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और खैर, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, यह तो आपके हाथों की लकीरें ही बता सकती है। जिस तरह आपके हाथों में कैरियर, जीवन आदि की रेखाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी हाथों की रेखा आपकी शादी के विषय में भी बहुत कुछ बता सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे अपनी हाथों की लकीरों को देखकर आप जीवन में आने वाले खूबसूरत बदलाव के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, शादी की रेखा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शादी की रेखा कौन सी रेखा होती है। विवाह की रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले भाग में होती है, वह छोटी और बहुत गहरी होती है, और अलग अलग हथेलियों में इस रेखा के कई छोटे छोटे अंतर होते हैं। युद्ध रेखा, दोस्तों एक अन्य रेखा है जिसके बारे में भी आपको यह जानने से पहले कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज पता होना बहुत जरूरी है, वह युद्ध रेखा। यह रेखा आपकी हथेली की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी रेखा होती है। एक इंसान का चरित्र और स्वभाव बताने के साथ साथ यह रेखा उसके विवाह जीवन, प्रेम जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताती है, क्योंकि हृदय ही वह जगह है जहां से प्रेम की शुरुआत होती है। क्या आपकी शादी उस इंसान से हो पाएगी जिसे आप प्यार करते हैं? क्या आप एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता पाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो आपके सभी सवालों के जवाब इन्हीं दो रेखाओं में छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है आपकी शादी और प्रेम को लेकर आपकी हस्त रेखा। दोस्तों, मित्रों, अगर शादी की रेखा और हृदय रेखा दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, तो ऐसे में यह इस बात की ओर इशारा करती है कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। हो सकता है आपका विवाह 20 की उम्र में हो पहले, या इसका यह भी अर्थ होता है कि आप अपने लिए जीवन साथी खुद चुनेंगे, यानी कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। तो दोस्तों, आपके लिए तो खुशी की बात है। यदि आपकी शादी की रेखा के आरंभ में पहाड़ जैसा चिन्ह बना हो, तो ऐसे में यह संभावना होती है कि लड़की की शादी किसी गलत फैमिली में होगी। यदि विवाह रेखा के शुरुआत में दो शाखाएं हो, तो एक अशुभ संकेत होता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएगी। हो सकता है आपकी शादी टूट भी जाए। अगर शादी की रेखा के पास त्रिशूल का निशान बना हो, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको अपना जीवन साथी मिलेगा, आपकी शादीशुदा जिंदगी भी खुशियों से भरी रहेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी लव मैरिज के बारे में पता करना, तो दोस्तों आप अपनी हस्त रेखा में जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी हस्त रेखा की लकीरों के बारे में, अपनी लव मैरिज के बारे में, तो दोस्तों आप अपनी हाथ की लकीरें देखकर पता लगा सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमारी दूसरी वीडियो देखने के लिए इससे रिलेटेड वीडियो जो हमने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और ऐप स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगी, और आई बटन में भी मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए,
और दोस्तों अगर आप भी लव मैरिज करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपकी आपकी लकीरें क्या दर्शा रही है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।